सो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करेंगे जीवीके पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इस स्टॉक के अंदर आज के दिन 2% की तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक करंट लेवल पर 6 रुपए 85 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो के माध्यम से ये डिस्कस करेंगे कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बन सकते हैं और हमें स्टॉप लॉस किस प्राइस पर रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक के अंदर अब एक रुकावट रेंज के पास स्टॉक ट्रेड कर रहेगा, क्योंकि पहले स्टॉक के अंदर 6 रुपए 80 पैसे पर एक सपोर्ट लेवल था। स्टॉक ने इस प्राइस को रीटेस्ट करने के बाद एक रिवर्सल ट्रेंड बनाता हुआ नजर आया। तो अब अगर स्टॉक 6 रुपए 85 पैसे के प्राइस को ब्रेकआउट देकर ऊपर एक क्लोजिंग बना लेता है, क्योंकि अभी स्टॉक करंट लेवल पर अपने एक रुकावट रेंज के पास ही ट्रेड कर रहेगा, तो ऊपर के टारगेट अराउंड 9 रुपए 50 पैसे के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। अगर हम स्टॉक के अंदर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल की बात करें तो वो तो काफी नीचे है, जहां से स्टॉक ने एक रिवर्सल दिखाया है अराउंड 4 रुपए 50 पैसे पर, जहां पर स्टॉक का एक बॉटम बन चुका है। और मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, जब स्टॉक 4 रुपए 50 पैसे के पास ट्रेड कर रहा था तो मैंने ये कहा, साफ साफ कहा था कि स्टॉक यहां से एक रिवर्सल दिखा सकता है। सेम ऐसा ही पैटर्न बन रहेगा। अब अगर स्टॉक एक बार 6 रुपए 85 पैसे के पास ट्रेड कर रहा है, ऊपर में 7 रुपए के प्राइस को ब्रेकआउट देकर ऊपर एक क्लोजिंग बना लेता है तो वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन कहलाएगा। तो अगर आपके पास स्टॉक है तो लगातार स्टॉप लॉस को ट्रेंड करते चले और लॉन्ग टर्म के नजरिया से स्टॉक के अंदर बने रहें।